एक साधारण काम के लिए ब्लॉक में जाते हैं, एक साधारण काम के लिए ब्लॉक में जाते हैं तो ब्लॉक में 50 बार जाएंगे, अब समझ लीजिए कि 50 बार में कितना पैसा लगेगा गाड़ी भाड़ा से। एक बार में 100 रुपया लगता है, 50 बार जाएंगे तब को लग जाएगा, और काम कितना का हमको होगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हम टेंगरा पंचायत में हैं। तिवारी बिघा के ग्राउंड है, और तिवारी बिघा ग्राउंड में आज कार्यक्रम संपन्न हुआ, जन संवाद कार्यक्रम। आज जो कार्यक्रम हुआ सर जी, सबसे पहले सर आपका नेशनल जनमंच में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके जनमंच चैनल को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज जो कार्यक्रम जो हुआ जन संवाद, सभी लोग को ये भी कहें कि उनका क्या अधिकार है, उनके अधिकारों के बारे में हमारे डीएम साहब सभी लोग को बताने का काम किया। और मैं अपने पंचायत के मुखिया पुष्पा कुमारी के द्वारा चौतरफा विकास, हमारे टेंगरा पंचायत में चौतरफा विकास किया गया, जो प्रत्येक गांव में कुछ न कुछ, प्रत्येक गांव में पहला मुखिया प्रत्याशी हैं जो पुष्पा कुमारी, जिनके द्वारा प्रत्येक गांवों को अपने कार्यों के द्वारा जोड़ने का काम किया। क्या नाम है आपका जी? हमारा नाम कुमारी स्मिता हुआ, मैं प्रखंड समन्वयक हूँ LSBA ऑफिस से। आप स्वच्छता अभियान के तहत? स्वच्छता अभियान के तहत मैं काम करती हूँ, और हमारे थ्रू इस टेंगरा पंचायत में लगभग 700 प्लस शौचालय बना है, व्यक्तिगत शौचालय, जिसका भुगतान भी हम लोगों ने करवाया है प्रोत्साहन राशि के थ्रू। और ये सोकपीट जंक्शन चैम्बर का भी निर्माण किया गया है, जैसे घर के बाहर जो जिस नली का बहाव जो खुला में पानी आता है उसका निर्माण करवाया गया सोखता गड्ढा का, और हर घर डस्टबिन भी बांटा गया है, हर एक घर में 2 डस्टबिन बांटा गया है, नीला कचरा घर में 2 डस्टबिन बांटा गया है सूखा और गीला कचरा के लिए, और हर एक वार्ड में 2 सफाईकर्मी का भी बहाली किया गया है, और जो सूखा कचरा गीला कचरा का जो भी उठाव करवाया जाता है उसके लिए एक भवन भी निर्माण कराया गया है, जिसका WPU नाम है। वहाँ पर जाकर WPU वहाँ पर जाकर सूखा कचरा और गीला कचरा का अलगाव किया जाता है, जैसे कि लकड़ी हो गया या फिर ग्लास हो गया, कागज हो गया, उसका अलग अलग छटैया, मतलब मेटल वगैरह रहेगा, अलग होगा उसका, और जी जी प्लास्टिक हुआ ये सारा का अलगाव करवाया जाता है, और जो गीला कचरा होता है उसका खाद निर्माण करवाया जाता है कंपोस्ट पिट, उसके बाद फिर हम लोग उसका रिसाइकलिंग करवाते हैं। रिसाइकलिंग होने के बाद क्या होता है? रिसाइकलिंग करवाने के बाद, जैसे ये छटैया करवाने के बाद मान लीजिए कि जो प्लास्टिक कलेक्ट होता है, ये हमारे जिला में 3 जगह बनवाया गया है, नवीनगर, औरंगाबाद और दाऊद नगर में, ये वहीं पर भेजा जाता है। अभी तो फिलहाल प्रोसेस में है, हमारे यहाँ तो अभी ही WPU निर्माण करवाया गया है, तो अभी प्रोसेस में। तो और उसके बाद क्या होता है? उसका कंपोस्ट वगैरह भी बनाया जाएगा कि उसका गीला कचरा का कंपोस्ट भी बनाया जाता है, लाभ मैंने लोगों को मिलेगा? जैसे कि खाद जो तैयार होता है वो किसान लोगों को यूज होता है अपने फसल ये सब उपजाने में। तो कैसे मिल पाएगा उस किसानों को, उसको अगर चाहिए कि हम वही खाद लें तो वो हमारे यहाँ? हाँ नहीं, जैसे कि अभी तो तैयार हुआ नहीं है, प्रोसेस में है, लेकिन जैसे ही वो तैयार हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में चयन किए गए हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, मुखिया जी हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि जो घर घर में जो कचरा उठाव करवाया जा रहा है और साफ सफाई करवाया जा रहा है, उसके लिए स्वच्छता सेवा शुल्क के रूप में हर एक घर से 1-1 रुपया प्रतिदिन लिया जा रहा है। जो पैसा लिया जाएगा वो पैसा हमारे ही जो पंचायत सचिव और मुखिया जी हैं उनके ज्वाइंट खाता में जाएगा, स्वच्छता का जो खाता है उसमें जाएगा, जिससे कि मेंटेनेंस के रूप में वो खर्च होगा। तो जो पैसा लिया जाएगा उसको किस तरह से लिया जाएगा, मतलब यूं ही ऐसे ही लिया जाएगा कि मतलब उसके लिए नहीं, वो ऐसे ही नहीं लिया जाएगा, उसके लिए रसीद काटा जाएगा। अच्छा, रसीद काटा जाएगा? हाँ जी, रसीद काटा जाएगा, और हमारे गाइडलाइन में भी ऐसा लिखा हुआ है कि सेवा शुल्क लिया जाना है, वो स्वच्छता सेवा शुल्क होगा। अच्छा, मतलब रसीद मिलेगा ना? हाँ, उसका जी रसीद मिलेगा और वो रसीद जमा भी होगा। तो हमारे साथ टेंगरा पंचायत की मुखिया हैं पुष्पा कुमारी, आपका भी नेशनल जनमंच में स्वागत है।
धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम के संदर्भ में क्या कहेंगे? कहेंगे यही कहेंगे कि बहुत सब लोग टाइम निकाल के आए और बहुत अच्छे अच्छे अपना लाभ बताएं। लोगों को लाभ मिला? हाँ, लाभ मिला और बहुत संख्या औरत और जेंट्स बहुत दोनों भारी संख्या में आए थे। योजना के बारे में भी जानकारी दिया गया इस कार्यक्रम में? योजना के बारे में भी बहुत बताया गया। तो आज का जो यह जनसंवाद कार्यक्रम हुआ उसके संदर्भ में क्या कहेंगे? आज बहुत सफलपूर्वक जनसंवाद हुआ, सारे प्रधानमंत्री लोग आए और यहाँ अपना बात रखें, जनता के बीच जो भी सरकार का योजना था उसके उन लोग बताएं कि ऐसा करना है, जो भी जनता को समस्या था लिखित आवेदन दिए हैं, आवेदन लिया गया है, उस पर विचार किया जाएगा, डीएम साहब लेके गए हैं। हाँ, जनसंवाद कार्यक्रम हुआ जिसमें तमाम लोग उपस्थित हुए और कार्यक्रम का लाभ भी उठाएं और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है सर आपका? राया रानी। आज का जो कार्यक्रम हुआ, जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम? बहुत अच्छा कहेंगे। कार्यक्रम आपको ठीक है? क्या नाम हुआ आपका? सुभाष प्रसाद महतो। घर कहाँ हुआ? तिवारी बीघा। तो तिवारी बीघा में आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और जनसंवाद कार्यक्रम, जिलाधिकारी महोदय भी आए, तो आप लोग अपनी समस्या से अवगत कराएं जिलाधिकारी महोदय? हाँ हाँ, इस सराहनीय बात हुआ है हमारे के यहाँ, सौभाग्य की बात है। अपनी समस्या बताएं। हाँ, समस्या तो हम लोग कहिए रहे हैं, सुनिए रहे हैं कि हम लोग को जो मिला है से मिलिए गया, हम नहीं मिला है वो भी मिलने वाला है। लोगों से बतिया रहे हैं, मुखिया से कह रहे हैं कि ऐसे नहीं मिला है हम लोग को, दीजिए। बोले कि आएगा फंड तो मिलेगा। कैसा लगा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और बड़ा हर्ष हुआ हम लोग के कि प्रथम बार डीएम साहब जो है से तिवारी बीघा गांव के प्रांगण में मैदान में उपस्थित हुए और यहां जनता जो है से 4-5 हज़ार जनता जो है, महिला से लेकर पुरुष तक और बच्चे सब कोई उपस्थित हुए और बहुत प्रोत्साहित बात कहें, हर गांव के लिए विकास की बात कहें, हर गांव में महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधा बताएं, लोन की सुविधा बताएं और पुरुषों के लिए और हर तरह का मतलब अपना उद्योग धंधा खोलने के लिए सारी व्यवस्था के बारे में, योजनाओं के संदर्भ में बताया। हाँ, योजनाओं के संदर्भ में बातचीत की है, क्या हक अधिकार है नागरिक का, उस सब पर चर्चा हो रहा था। सब पर चर्चा हुआ तो आप लोग उसको समझे? हाँ हाँ, समझे, खूब बढ़िया से समझे। मेरा नाम रामस्वरूप मेहता है। कैसा लगा आज का कार्यक्रम, सुने कार्यक्रम को? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा? बहुत। तो आप क्या कहेंगे? हम लोग को तो बहुत खुशी हुआ कि हमारे जिला के मुख्य डीएम साहब आए, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का कार्यक्रम होगा, बहुत खुशी हुआ। हमारा फील्ड मैदान है, मैदान के ग्राउंड में हुआ, 5,000-10,000 से कम ज़्यादा भीड़ था, कुछ महिलाएं पुरुष दोनों थे और हमारे जितना भी सरकार के तरफ से योजना या फंड आने का मतलब शुरू हुआ, वो सब मिलने के लिए, सब कुछ मिलने के लिए बता रहे थे। कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? इसके लिए अच्छा बहुत है कि डीएम साहब बहुत टाइम देकर निकाल के आए यहाँ पर तिवारी ब्याह को, धरती पावन को बहुत अच्छा संबोधित किए, काम के बारे में भी जानकारी दिए। आज का कार्यक्रम जिला पदाधिकारी महोदय और जिला के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे और प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, सभी पदाधिकारी मौजूद थे, तमाम पंचायतों के मुखियागण, जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति गण यहाँ पर मौजूद थे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में करीब यहाँ के नागरिक 5-6 हज़ार यहाँ उपस्थित हुए और जिला पदाधिकारी महोदय अपने समय अनुसार जो समय दिए थे उस पे यहाँ उस टाइम पे यहाँ पहुँचे स्थल पर। यहाँ के ग्रामीणों ने भव्य, इस पंचायत के टेंगरा पंचायत के ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनसे उनके मुख्य वाणी से बात सुने और उनका लाभ उठाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मुखराज प्रजापति। तो क्या आपकी, कैसा लगा कार्यक्रम? कार्यक्रम तो बातों से हम लोग को तो बहुत खुश किए। अच्छा, डीएम साहब? हाँ, डीएम साहब, चाहे जितना अधिकारी पदाधिकारी जो हैं, हम लोग को बातों से बहुत खुश किए। आप लोग काम हो नहीं रहा है क्या? तो उनका जो योजना चला हुआ जमीन पर कितना उतर रहा है, आप लोग उसको जितना एक्सेप्ट कीजिएगा उतना ही ना होगा। आप लोग मतलब उस योजना के संदर्भ में जानकारी लिए तो पूरे
इसमें तो पूरे पदाधिकारी अधिकारी कर्मचारी सब तो उसी तरह के हैं, यहाँ जनता भी दोषी है। जनता आप लोग आपको कार्यक्रम की जानकारी हुआ मिला? हाँ हाँ कौन सा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है? हाँ मिला। हाँ तो आप लाभ ले रहे हैं उसका? लाभ कहाँ हम लोग को मिल रहा है, वहाँ जाएंगे बैंक में तो कहें कि आपको जमीन है, जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग को लोन नहीं देंगे। केसीसी बिना जमीन के थोड़े मिलता है, उसका तो प्रोसेस नहीं, नहीं बहुत से ऐसा है योजना कि बिना जमीन के भी मिलता है। अच्छा। लेकिन उसमें भी हमको नजर हम लोग को नजर अंदाज कर दिया जाता है हम लोग को। उसके लिए अधिकारी जो है उस अधिकारियों से आप मिले? किससे? जो अधिकारी काम करने के लिए नियुक्त किए गए हैं उन अधिकारी से आप मिले? हाँ औरंगाबाद में एक क्या कहते हैं गाय वाला जो था लोन मिलता था पहले ना, तो हाँ तो उसमें हम लोग गए थे तो अब वहाँ तो लिख पढ़ के दे दिया, बैंक में आ रहे हैं ना तो कह रहे हैं कि नहीं आपको नहीं मिलेगा। कौन सा बैंक में गए थे? मगध ग्रामीण बैंक में। क्या बताए थे बैंक वाले अधिकारी ने कि आपको पैसा लोन नहीं मिलेगा? तो कारण पूछे? वो बताया कि वहाँ जो है उनको लिख देने से हम दे देंगे। अच्छा वो क्या बोले कि लिख देने से हम नहीं देंगे? तो जो जहाँ पर आज जिस ऑफिस में आप गए थे जहाँ से बताया गया था कि आप जाइए लोन मिलेगा, तो पुनः फिर उस ऑफिस में आप गए? ना फिर नहीं हम गए। क्यों नहीं गए? अब देखे कि अब वहाँ से आया है यहाँ से वहाँ तो मतलब खाली घूमते रहें केवल। आप वहाँ कंप्लेन किए कि आपने हमको जो प्रोसेस करके हमको बैंक को भेजा आपने तो बैंक वाले ने लोन नहीं दिया, आप गए वहाँ पे? हम बैंक में तो वहाँ गए लेकिन उनके पास हम नहीं गए। दोबारा आप नहीं गए? नहीं गए। तो क्यों नहीं गए? अब तो इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि बार बार उनके पास आएँ और जाएँ। एक साधारण काम के लिए ब्लॉक में जाते हैं, एक साधारण काम के लिए ब्लॉक में जाते हैं तो ब्लॉक में 50 बार जाएंगे। अब समझ लीजिए कि 50 बार में कितना पैसा लगेगा गाड़ी भाड़ा से। एक बार में 100 रुपया लगता है, 50 बार जाएंगे तो 50,000 5,000 में हमको लग जाएगा और काम कितना का हमको होगा। तो समस्या अभी बरकरार है? पूरा बरकरार है समस्या, जमीन पर एक भी काम नहीं हो रहा है। क्या नाम बताया? मुखराज प्रजापति। देखिए एक मुखलाल प्रजापति हैं जो मुखराज प्रजापति हैं। कहाँ घर हुआ? रसूलपुर है जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। हाँ 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 हाँ। तो रसूलपुर जो गांव है उस गांव के मुखराज प्रजापति हैं, निवासी हैं उस गांव के, और इनका कहना है कि बातचीत तो काफ़ी अच्छी होती है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। तो जिलाधिकारी महोदय को इनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि इनकी बातों में कितना सच्चाई है। इनका कहना है मुख्य रूप से कि हम ब्लॉक वगैरह में लोग जाते तो ज़रूर हैं लेकिन वहाँ पर क्यों दौड़ाया जाता है, काम कम और दौड़ाने का जो काम है सो ज़्यादा किया जाता है। तीन साल से एक मामला हमारा है, घर के ओरी के संबंध में मामला है और उसमें देखिए 3 साल से ब्लॉक में हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या समस्या है बताइए? हमारा ओरी जो है कि गिर रहा था, आज हमारा जन्म के पहले का मकान बना हुआ है, ठीक है, और हमारा बगल के आदमी जो है कि ओरी में नोच करके सब फेंक दिए हैं जो कि सब पानी घर में गिर रहा है। अच्छा। और थाना में भी FIR किए, CO के पास भी दी एप्लीकेशन, जबकि वहाँ हमारा अथी में नाम होगा तो बोल रहा था कि आपको निदान हुआ। हमको निदान कहाँ हुआ, अभी जो चू रहा है सब छत हमको टूट के नीचे गिर रहा है, छत के नीचे पानी गिर रहा है हमारा। CEO साहब से आप बात? हाँ CEO साहब से हमने कहा के दिए उनको। हाँ फिर दिए हैं, दोबारा दिए हैं उनको, अभी तक नहीं हुआ। वो कि जांच में हम कर्मचारी के भेजेंगे। जांच हुआ? 5 बार इनके पास अभी गए हैं, एक माह के अंदर में 5 बार गए हैं। तो हम कर्मचारी हैं, हम पेपर हैं। कर्मचारी का नाम क्या है? कर्मचारी के कौन तो गुप्ता जी हैं है? हाँ कौन साहब जी हैं। देखिए मुखराज जी ने एक बहुत मार्मिक बात कहा है, गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। गरीब आदमी किस तरह से सरकारी जो तंत्र है उसके कुचक्र में मतलब पिसाता है, उसकी बात इन्होंने कहा। हकीकत भी है काफ़ी, ऐसा होता भी है कि गंभीरता से गरीबों की समस्या को नहीं लिया जाता है और जिससे काफ़ी परेशानी होती है। वहाँ ब्लॉक में जब जाते हैं अब हम लोग के खाली आने जाने में खर्च हो जाता है
दो चार हजार है तो हम लोग थक के पीछे लौट जाते हैं। अब इतना पैसा नहीं है कि बेशुमार महीना में 10 बार जाएं उनके पास, तो यही मामला है। तो हम लोग बैक हो जाते हैं, बैक होकर फिसल हो जाते हैं, ब्लॉक में दौड़ते हैं जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है, काम नहीं हो पाता है ना हम, तो उसको मतलब जो समस्या है समय पर जो हमको 15 दिन के अंदर में कार्यों का संपादन होना है, तो वो 6 महीना में होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए वहाँ हम जाएंगे 10 बार गए और हमको 2000 भाड़ा खर्चा हो गया, तो फिर हम पीछे कमे नहीं होता, फिर पीछे हम लौट जाते हैं, हम लोग क्या करेंगे। कैसा लगा आज का कार्यक्रम, पूरा टिकाऊ का लगाया? हाँ, टेंगरा पंचायत में वार्ड नंबर 10 तिवारी बीघा में जनसभा कार्यक्रम किया गया, इसमें सभी ग्रामीण जनता उपस्थित हुए, बहुत हमें खुशी हुई, ये अपना कीमती टाइम देने का कष्ट किए और इस जो कार्यक्रम को सुने और इनका लाभ उठाए। आज जो है से टेंगरा पंचायत में जनसंवाद का कार्यक्रम था और काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और काफ़ी लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना किया है। कुछ लोगों का कहना है कि बातचीत तो बहुत अच्छी होती है, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हुआ, डीएम साहब ने अपनी बात से हम लोगों को मोहित किया, मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन हम लोग बात तो सुन रहे हैं लेकिन हम लोग का समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। और हम लोग जब ब्लॉक में जाते हैं जब, तो वहाँ जिस तरह से हम लोग के साथ में अधिकारी लोग को पेश आना चाहिए या हम लोग की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए, वैसा होता नहीं है। तो हम लोग जो गरीब लोग हैं वो हमेशा इसी तरह से प्रताड़ित होते रहते हैं और अधिकारी के जो है से जो कार्यालय होता है उसके चक्कर लगाते रहते हैं, तो लगाते रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी को और सख्त होना चाहिए और हम लोग की जो समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।